मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2022 के सीजन का दूसरा मुकाबला हार चुकी है और मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम निकल कर आए हैं जो कि हमें मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 में अब नजर नहीं आने वाले और उन खिलाड़ियों के तौर पर हमें दूसरे खिलाड़ी एमआई की टीम में नजर आने वाले। तो मैं आपको इस वीडियो में उन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि हमें मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 से बाहर होते हुए नजर आने वाले। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2022 का सीजन, तो हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले खिलाड़ी की जो कि हमें मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 से बाहर होते हुए नजर आने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है बैसल थम्पी। जी हमें बैसल थम्पी अब मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 में नहीं नजर आने वाले। हालांकि बैसल थम्पी ने काफी अच्छा प्रदर्शन एमआई की टीम के लिए पहले मैच में किया था दिल्ली कैपिटल्स की टीम के अगेंस्ट और दूसरे मैच में काफी खराब प्रदर्शन बैसल थम्पी ने मुंबई इंडियंस की टीम के लिए किया है और जॉस बटलर ने काफी पिटाई बैसल थम्पी के उस मैच में कर दिए। तो अब बैसल थम्पी हमें मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 में नहीं नजर आने वाले। और अगर दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है डेनियल सैम्स। जी हाँ, डेनियल सैम्स भी अब मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 में नजर नहीं आने वाले। हालांकि मुंबई इंडियंस की टीम डिसाइड कर रही थी कि डेनियल सैम्स को दूसरे मैच में ना खिलाए, लेकिन डेनियल सैम्स को मुंबई इंडियंस की टीम ने खिला लिया और डेनियल सैम्स की बॉलिंग में काफी पिटाई हो गई। और जब ये बैटिंग करने के लिए आए तो एमआई की टीम के लिए इन्होंने कुछ भी योगदान बैटिंग में नहीं दिया और डेनियल सैम्स 0 रन बनाकर आउट हो चुके थे। तो डेनियल सैम्स भी अब हमें मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 में नहीं नजर आने वाले। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कमाल की फैंटेसी एप्लीकेशन गेम्जी के बारे में और गेम्जी पर क्यों खेलना चाहिए, क्योंकि गेम्जी एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन और इंडिया टीम के स्टार प्लेयर केएल राहुल के ब्रांड एंबेसडर है। अब बात करते हैं कि आपको गेम्जी पर क्यों खेलना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है और क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन है और आपके जीते गए पैसे आप 5 मिनट में विड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप गेम्जी पर सबसे ज्यादा पैसे कैसे जीत सकते हो। यहाँ पर आप अगर फर्स्ट इनिंग में टीम नहीं बना पाते हो, सेकंड इनिंग में टीम बनाकर खेल सकते हो और 5 ओवर के लाइव फैंटेसी में टीम बनाओ और अपने लॉस को कवर करने का मौका पाओ। गेम्जी आपको दे रहा है 15,250 रुपए साइन अप पर और 300 रुपए आपको 100K डिपॉजिट पर। तो वेट किस बात का है, अभी नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करो और अपना बोनस पाओ वो भी तुरंत। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे खिलाड़ी की जो कि हमें एमआई की टीम में नहीं नजर आने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है टिम डैड। जी हमें टिम डैड को भी मुंबई इंडियंस की टीम अब अगले मैच की प्लेइंग 11 में जगह देते हुए नहीं नजर आ सकती है, क्योंकि टिम डैड ने भी लगातार 2 मैचों में काफी खराब प्रदर्शन एमआई की टीम के लिए किया है। और युजवेंद्र चहल की गेंद पर जो मैच हुआ राजस्थान और मुंबई इंडियंस की टीम का, उस गेंद पर युजवेंद्र चहल की मुंबई इंडियंस की टीम के जो बड़े और बिग टिकेट प्लेयर है टिम डैड वो पहली गेंद पर आउट हो चुके। तो अब हमें टिम डैड भी मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 में नहीं नजर आ सकते है। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम को इन खिलाड़ियों को बाहर करना चाहिए या फिर नहीं अपनी टीम की प्लेइंग 11 से? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।